हेलो दोस्तों वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफ बी एच में तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम पेमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हमने हाईवे मटेरियल्स का जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है अब हम पेमेंट्स पे आ गए हैं पेमेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है तो पेमेंट होता है क्या है पहले इसके बारे में पढ़ेंगे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हाईवे पेमेंट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग Of of the of the soil मतलब क्या है इसमें यह है कि हमारे पास सॉइल होती है सॉइल की सबग्रेड जिसे हम कहते हैं इसके ऊपर हम डिफरेंट लेयर्स डाल देते हैं तब जाके हमारे पास जो है हाईवे पेमेंट बन जाता है तो ये यही बोल रहा है कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो हम सोइल सब ग्रेड के ऊपर बनाते हैं तो इट इज मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर द द द लोड अप्लाइड बाय व्हीकल्स ऑन तो इसका मेन मकसद क्या होता है जो हमारे पास यहाँ पर व्हीकल चल रहा है व्हीकल का जो लोड आ रहा है उसको हमें सॉयल सब ग्रेड में ट्रांसफर करना है तो यही होता है फंक्शन इस पेमेंट इन पेमेंट लेयर्स का फंक्शन यही होता है लोड को ट्रांसफर करना सब ग्रेड में नेक्स्ट है पेमेंट स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू प्रोवाइड सरफेस ऑफ एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल राइडिंग क्वालिटी एक तो राइडिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एडुकेट स्किड रेजिस्टेंस होनी चाहिए स्किड नहीं होनी चाहिए गाड़ी हमारी ऐसी सरफेस होनी चाहिए पेमेंट की फेवरेबल रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो फेवरेबल नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए हमारा हमारी पेमेंट लेयर कि हमें कुछ आगे दिखे ना या फिर इतनी डार्क भी नहीं होनी चाहिए कि, कि रात को चलने में हमें प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है रिजिड पेमेंट होती है और सिमी रिजिड या सिमी फ्लेक्सिबल पेमेंट भी हो सकती है हमारे पास तो मेनली जो है फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है इट इज अ फ्लेक्सिबल इन फ्लेक्सिबल पेमेंट द लोड फ्रॉम द टॉप लेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉटम लेयर थ्रू ग्रेंट इन ग्रह इन ग्रह कॉन्टैक्ट मतलब क्या है अगर हमारे पास एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की अगर यहां पर लोड लग रहा है तो ये ग्रह टू ग्रहण एक ग्रहण दूसरे ग्रहण को लोड ट्रांसफर करेगा फिर दूसरा ग्रहण आगे वाले ग्रहण को लोड ट्रांसफर करेगा ऐसे जाके हमारा लोड ट्रांसफर होता है मतलब कि ग्रह टू ग्रहण लोड ट्रांसफर होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में वी नीड द बेटर मटेरियल ऑन द टॉप लेयर इसका मतलब क्या हुआ कि लोड ज़्यादा यहां पर जो है एक ही जगह पर लोड ज्यादा लग रहा होगा तो बेटर हमें यहाँ पर सरफेस पे बेटर मटेरियल चाहिए अगर नीचे नीचे जो है मटेरियल थोड़ा खराब भी होगा लेकिन जो सरफेस पे है सरफेस पे हमें बेटर मटेरियल चाहिए क्योंकि वहां पर लोड कंसंट्रेट हो रहा है एक ही जगह फिर जब आगे लोड चलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आगे ज्यादा एरिया में तो हमें यहां पर जो है सरफेस पे मटेरियल अच्छा होना चाहिए लेयर इज कम एज कंपेयर टू द बॉटम लेयर बिकॉज द स्ट्रेस इन द अपर लेयर विल भी लेस एज स्ट्रेस इन द लोअर लेयर मतलब क्या है हमारे पास स्ट्रेस जो अपर लेयर में कंसनट्रेटेड स्ट्रेस होंगे वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लोअर लेयर दिस कंटेन्स दिल नेग्लिजिबल फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ तो फ्लेक्जिबल पेयमेंट है तो फ्लेक्चुरल रेजिस्टेंस uh, जो होगी या फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी

वो इस बेस पे रखते हैं कि आगे जो ऊपर वाला स्ट्रेस आ रहा है स्ट्रेस जो आ रहा है वो किसी भी लेयर को की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब कि अगर यहां पर थाउजेंड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड लग रहा है तो यहां पर इस इस लेयर की थिकनेस थिकने हमें ऐसी रखनी है ताकि इस लेयर की जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो वन थाउजेंड स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए इस लेयर की तो आपको यह याद रखना है कि थिकनेस किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई भी लेयर जो है वो जो है फेल नहीं करनी चाहिए उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमें जो है पेमेंट लेयर्स की थिकनेस कैसी रखनी है नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पेमेंट लेयर्स की थिकनेस थिकनेस लेयर्स क्या क्या होती है एक तो सबग्रेड होता है ये जो सॉइल होती है कंपैक्टेड फार्म में सॉइल होती है उसे हम सबग्रेड कहते हैं उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सब बेस बेस कोर्स बाइंडर कोर्स और ऊपर होता है सरफेस कोर्स तो ये चीजें आपको यहाँ सबग्रेड सब बेस बेस बाइंडर कोर्स एंड सरफेस कोर्स तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस होते हैं तो यहाँ पर इनकी ये जो थिकनेसेस है ये इसका रेंज भी पूछा जा सकता है आपसे तो सब ग्रेड की थिकनेस होती है डेढ़ सो से तीन सो सब बेस की सो से तीन सो बेस कोर्स हंड्रेड टू वन थर्टी बाइंडर कोर्स जो है टू हंड्रेड और हमारे पास सरफेस कोर्स जो है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी और आपको एक चीज याद और याद रखनी है आपको यह भी पूछा जा सकता है कि टॉप सरफेस पे हम एक कोट लगाते हैं उसे हम सील कोट कहते हैं यह याद रखना है सील कोट कहां पर हम लगाते हैं टॉप लेयर पे लगाते हैं सरफेस कोट्स के ऊपर हम सील कोट लगाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टैग कोट और प्राइम कोट टैग कोट और प्राइम कोट ये जो है ये दोनों जो है बाइंडर कोट्स के ऊपर हम लगाते हैं टैग कोट भी और प्राइम कोट भी लेकिन जो प्राइम कोट होता है वो जो है वो अंदर जो है अगर हमारे पास कोई जगह खाली है उसके अंदर भी चला जाता है तो ये चीज आपको याद रखनी है प्राइम कोट और

डेढ़ सो से तीन सो वाली थिकनेस होनी चाहिए ये ऐसे आपको याद रखने हैं तो सील कोट क्या होता है सील कोट के बारे में हम डिस्कस करेंगे थिन सरफेस ट्रीटमेंट एंडिडेंस तो सील कोट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं ये एक होता है ये वाटर प्रूफिंग के लिए मतलब कि वाटर को नीचे नहीं जाने देगा सील कोट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वाटर जो है वो पेमेंट के अंदर नहीं चला जाना चाहिए एंड प्रोवाइड द दिकिट रेजिस्टेंस और सिकिड से बचाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं दूसरा होता है टैग कोट टैग कोट हम बाइंडर कोर्स के ऊपर लगाते हैं टैग कोट मैंने आपको बता दिया बाइंडर कोर्स के ऊपर लगाते हैं तो टैग कोट का फंक्शन क्या होता है टैग कोट इज वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ द ये एसफॉल्ट से बना हुआ होता है यूजुअली एसफॉल्ट इमल्शन डाइल्यूटेड विथ वाटर वाटर के साथ एसफॉल्ट को डाइल्यूट किया जाता है तो वही हम यहां पर लगाते हैं इट प्रोवाइड्स द बॉन्डिंग प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन द टू लेयर्स ये बॉन्डिंग बनाता है सरफेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के बीच में याद रखना है टैकोट जो है बॉन्डिंग के लिए यूज होता है दो लेयर्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बनाता है एंड मस्ट बी थिन ये थिन होना चाहिए यूनिफॉर्मली कवर एंटायर सरफेस एंड सेट वेरी फास्ट ये स, पूरी सरफेस पे ऊपर लगाना होता है और ये जो है सेट जल्दी होना चाहिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम कोट प्राइम कोट मैंने आपको बताया प्राइम कोट भी बाइंडर कोर्स के ऊपर ही लगाते हैं लेकिन प्राइम कोट जो है वो थोड़ा जो है कैविटीज में भी भर जाता है तो प्राइम कोट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लो विस्कस कट बैक टू द द लाइक ऑन द बाइंडर लेयर इज प्लेसड तो ये हम कहा एड्जॉर्बेंट सर्फेस पर लगाते हैं जहां पर बाइंडर लेयर होती है हमारे पास इट प्रोवाइड द बॉन्डिंग बिटवीन द टू लेयर्स ये भी बॉन्डिंग के लिए होता है अनलाइक टैग टैग कोट कोट से थोड़ा डिफरेंट है ये क्योंकि प्राइम कोट पेनिट्रेट्स इनटू द लेयर बिलो द वाटर टाइट सर्फिस तो ये क्या होता है जो हमारे पास यहाँ पर वगैरह होती है के अंदर चला जाता है और उनको जो है फिल कर देता है ताकि ये वाटर टाइट बन जाए तो ये चीज आपको याद रखनी है प्राइम कोट के बारे में प्राइम कोट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है थोड़ा नीचे भी चला जा सकता है मतलब कि कैविटीज वगैरह भर देता है और जो है वाटर टाइट बना देता है तो ये आपको याद रखना है टैग कोड जो होता है वो एस से बना होता है और प्राइम कोड जो होता है वो हमारे पास कार्डबैक बैकमिन का बना हुआ होता है तो यह चीज भी आपको याद रखनी है अब देखते हैं ये सरफेस कोर्स लेयर सरफेसियर इन डायरेक्ट विद द ट्रैफिक लोड्स एंड इज जनरली कंटेक्ट विद सुपीरियर क्वालिटी मिटीरियल तो सरफेस कोर्स जो होता है वो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला होता है ये सरफेस कोर्स ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसका जो है ट्रैफिक के साथ तो इसीलिए इसकी क्वालिटी जो होती है वो सुपीरियर होनी चाहिए कंस्ट्रक्टेड विद विनस ग्रेडेड एसपार्ट कंक्रीट तो ये हम डेनस ग्रेडेड एसपार्ट कंक्रीट से बनाते हैं मस्ट प्रोवाइड द फ्रिक्शन एंड स्मूथ ड्रेनेज मतलब ये फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए अच्छी स्मूथनेस भी होनी चाहिए और ड्रेनेज में भी अच्छा होना चाहिए इट मस्ट प्रोवाइड द वाटर एंटरिंग इन द बेस कोर्स तो ये वाटर को बेस कोर्स में एंटर करने से भी बचाना चाहिए सरफेस कोर्स हमारा और टफनेस जो होनी चाहिए टफनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए सरफेस कोर्स की अब आ जाते हैं बाइंडर कोर्स जो इसके नीचे होता है बाइंडर कोर्स दिस लेयर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एस्पाल्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द बेस कोर्स ये बल्क ऑफ एस्पॉल्ट कंक्रीट से बना हुआ होता है तो ये जो होता है ये बेस कोर्स को ट्रांसफर करता है लोड मतलब सरफेस कोर्स ऊपर वाला बाइंडर कोर्स उसके नीचे वाला और बेस कोर्स उसके नीचे वाला बेस कोर्स जो होता है इट इज कम्पोज ऑफ द क्रशेड स्टोन क्रशेड स्लैग एंड अदर अनट्रीटेड एंड स्टेबलाइज मिटीरियल ये क्रशड स्टोन क्रशेड स्लैग और स्टेबलाइज मटीरियल का बना हुआ होता है तो इसमें हम वेट मिक्स मैगैडम लगाते हैं या वाटर बाउंड मैगैडम लगाते हैं ये आगे भी हमें पढ़ना है वेट मिक्स मैगैडम क्या होता है वाटर बाउंड मैगैडम क्या होता है तो ये मैगैडम के ही दो टाइप्स होते हैं लेकिन इनका जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट होता है तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके बाद आ जाता है हमारे पास सब बेस सब सब बेस बेस जो होता है क्या होता है ये ड्रेनेज को इंप्रूव करने के लिए होता है तो सब बेस जो होता है ये भी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसमें बजरी लगी होती है इसके बाद आ जाती है हमारे पास सब ग्रेड क्या होता है सब ग्रेड जो है वो सॉइल ही है सब ग्रेड इज द लेयर ऑफ नेचुरल नेचरल प्रिपेयर टू रिसीव द स्ट्रेस फ्रॉम द अपर लेयर ये प्रिपेयर जा, की जाती है इसको प्रॉपरली कंपेक्ट किया जाता है इट इज कंपेक्टेड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो इसको कंपैक्ट किया जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक ताकि इसका जो है लोड जो ऊपर वाला लोड आ रहा है वो ले सके तो ये सबग्रेड जो है ये नेचुरल सॉइल होती है हमारे पास लेकिन इसको पहले जो है अच्छी तरह कम्पैक्ट किया जाता है तो हमारे पास फेलियर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के कौन कौन से फेलियर हो सकते हैं एक होता है फिटिक क्रैकिंग फिटीक क्रैकिंग इज़ ड्यू टू द दॉरिजेंटल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द एस्पॉल्ट कंक्रीट एस्पॉल्ट कंक्रीट के बॉटम पे जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाते हैं उसे हम फिटीक फटीक क्रैकिंग कहते हैं इसके बाद आ जाता है रटिंग रटिंग आपने देखा ही होगा रटिंग होता है मतलब कि लोड की वजह से दब जाता है कहीं कहीं पर हमारा पेमेंट उसे हम कहते हैं पेमेंट डिफॉर्मेशन और रट अलोंग द व्हील पाथ मतलब जहां से व्हील गुजरते हैं वो वाला जो है एरिया थोड़ा जो है अंदर चला जाता है सॉइल में तो उसे हम रइटिंग कहते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग क्या होता है लो टेम्परेचर क्रैकिंग और थर्मल फटिक क्रैकिंग लो टेम्परेचर की वजह से क्रैकिंग हो जाती है या थर्मल फटिक क्रैकिंग इसे कहा जाता है तो ये होता है थर्मल क्रैकिंग ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास रिजिड पेमेंट इसके बारे में

डिस्ट्रीब्यूट होता था लेकिन यहां पर यह जो कंक्रीट का बना होता है तो यह स्लैब एक्शन दिखाता है पूरा स्लैब लोड लगाता है मतलब कि यहां पर गाड़ी लगे गाड़ी का टायर अगर यहां पर भी होगा लेकिन लोड तो होल स्लैब ही लगाएगी नीचे सॉइल पे तो ये यहां पर लोड जो है ट्रांसफर होता है स्लैब एक्शन की वजह से और फ्लेक्जेल रेजिस्टेंस यहां पर रिजिड पेमेंट पे बहुत ज्यादा होती है ये आपको याद रखना है लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्लैब एक्शन एंड पेमेंट बिहेव लाइक द इलास्टिक प्लेट जो हमारा पेमेंट होता है वो इलास्टिक प्लेट की तरह बिहेव करता है तो रिजिड पेमेंट बाई द इलास्टिक प्लेट रिजिड जो डिजाइन किए जाते हैं वो इलास्टिक प्लेट से डिजाइन किए जाते हैं परपज ऑफ बेस एंड सब बेस कोर्स इज टू प्रिवेंट पंपिंग तो यहां पर आप देख सकते हैं दो ही लेयर होती है एक पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट होता है ऊपर डेढ़ सौ से तीन सौ एम एम और बेस कोर्स या सब बेस कोर्स जो होता है वो नीचे होता है 100 से 300 सौ mm तक होता है ये तो बेस कोर्स जो होता है इसमें इस सब बेस या बेस कोर्स जो है इसका काम एक ही होता है कि यहां पर अगर ये जो सॉयल है हमारे पास सॉइल में अगर वाटर मिल गया तो इसकी वजह से जो है अगर यहाँ पर यहां पर कोई जगह निकल जाए तो उसकी वजह से है मड पंप हो सकता है मतलब अगर यहाँ पर मड बनी हुई है तो मड जो है वो पंप करके पेमेंट पे आ जा आ सकता है तो इसीलिए हम बेस या सब बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो ये पंपिंग प्रोवेंट करने के लिए दिए जाते हैं बेस एंड सब बेस कोर तो फेलियर कौन सा होता है फिटिक फेलियर आपको पता ही होता है स्ट्रेन साइल ट्रेन की वजह से थर्मल क्रैकिंग इसमें भी आ सकती है मड पंपिंग हो सकती है मड पंपिंग मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर सॉइल में जो है मड बना हुआ है तो मड जो है अगर यहाँ पर कोई कैविटी बनी होगी हो तो कैविटी की मदद से वो जो है मड सरफेस ऑफ पेमेंट पे आ सकता है उसे हम मड पंपिंग कहते हैं यही तो यहां पर जो है रिजिड पेमेंट में रिजिड पेमेंट में हमें कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने होते हैं uh, uh, आपको तो पता ही है एक तो कंट्रेक्शन होते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे रिजिड पेमेंट में ये आपको याद रखना है आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से पेमेंट में हम कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं तो रिजिड पेमेंट में हम कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं यहां पर मैंने अगर आपने अगर आपको ये पूरा लेक्चर भी समझ में नहीं आया लेकिन आपको ये लास्ट वाले पांच मिनट जो है अगर आप अच्छी तरह देगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस दिखाया गया दिखाया हुआ है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट में तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट में एक डिफरेंस बेसिक है ये आई आर सी थर्टी सेवन टू थाउजेंड जो है हमारे पास कोड है इसके बेसिस पे हम इसको डिजाइन करते हैं और रिजिट पेमेंट जो है आई आर सी फिफ्टी एट टू थाउजेंड ट्वेल्व के बेस पे हम डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट लेयर जो हमारे पास होती है एक होता है सब ग्रेड सब बेस बेस एंड सरफेस कोर्स तो यहाँ पर आपको याद रखना है सरफेस कोर्स विटामिनस का बना होता है बेस कोर्स जो है वेट वाटर बाउंड मैकेडम एंड वेट मिक्स मैकेडम का बना होता है तो सब बेस हमारे पास ग्रेनुलर होता है सी फाइव जो है सब ग्रेड होता है ये सब ग्रेड सॉयल होती है तो इसमें पेमेंट लेयर जो होती है ये सब बेस और बेस एंड सरफेस कोर्स या फिर बेस और सब बेस को एक ही हम मान के चलते हैं तो ये सब ग्रेड जो है वो सोयल है, होती है और बेस कोर्स जो होता है हमारे पास ये डीएलसी डीएलसी मतलब कि ड्राई लीन कंक्रीट होता है हमारे पास सरफेस कोर्स जो है ये पीसीसी का बना होता है या फिर आरसीसी का बना होता है पीसीसी का भी हो सकता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी का भी हो सकता है सीमेंट कंक्रीट का भी हो सकता है तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो है लोड ट्रांसफर ग्रैंड टू ग्रैंड होता है और रिजिड पेमेंट में लेयर टू लेयर लोड ट्रांसफर या फिर स्लैब एक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर होता है रिजिड पेमेंट में लो आर नेग्लिजिबल फ्लेक्ज रिजिडिटी फ्लैक्जरल रिजिडिटी जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट में बहुत कम होती है सिग्निफिकेंट फ्लैक्जरल रिजिडिटी होती है हमारे पास रिजिड पेमेंट में इफ दियर इज अ फेलियर इन द बॉटम लेयर ऑफ द फेलियर विल अपियर ऑन द टॉप मतलब कि अगर हमारे पास इस लेयर में में फेलियर हो, हो जाएगा तो यहां पर भी हमें दिखेगा ये फेलियर यहां पर हो गया है मतलब कि ये अगर नीचे की तरफ चला जाएगा ये भी नीचे की तरफ चला जाएगा यहां पर मतलब कि अगर कोई भी नीचे वाली लेयर में हमारे पास फेलियर हो गया तो वो फेलियर हमें सरफेस पे भी दिखता है लेकिन यहां पर ये ऐसा नहीं होता है रिजिट पेमेंट में क्योंकि हमें ऊपर स्लैब होती है तो नीचे अगर थोड़ा फेलियर भी हो जाए ऊपर हमें दिखता ही नहीं इफ देयर इज अ फेलियर इन द बॉटम लेयर ऑफ द स्लैब स्लैब विल एक्ट एज द ब्रिज इट तो अगर हमारे पास यहां पर जो है अगर फेलियर यहां पर हो गया तो ये जो ऊपर वाली स्लैब है ये एज अ ब्रिज एक्ट करेगी यहां पर हमें फेलियर दिखेगा ही नहीं नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द एग्रीगेट इंटरलॉकिंग तो यहां पर जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट में जितनी एग्रीगेट की इंटरलॉकिंग होगी उतनी हमारे पास जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट स्टेबल होगी तो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द पेमेंट स्लैब तो हमारी जितनी पेमेंट uh, की स्लैब जो है वो जितनी अच्छी होगी उतनी हमारे पास रिजिड पेमेंट की स्टेबिलिटी होती है जॉइंट्स आर एब्सेंट तो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में जॉइंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रेक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं रिजिड पेमेंट के केस में तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है इसमें इनिशियल कॉस्ट इज लो हमें कम कास्ट लगता है बनाने में बट मेंटेनेंस कास्ट इज हाई लेकिन मेंटेनेंस कास्ट इसका हाई हो, होता है क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है जल्द ही उसमें पोर्ट होल्स बन जाते हैं वगैरह बन जाते हैं तो उसकी जो है रिपेयर मेंटेनेंस कास्ट या रिपेयर कास्ट जो होता है वो ज्यादा होती है तो इनिशियल कास्ट इज हाई इसमें इनिशियल कास्ट बहुत ज्यादा होती है रिजिड पेमेंट के केस में बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो लेकिन मेंटेनेंस इस पर कम होता है क्योंकि बहुत देर बाद ये खराब होने लगती है तो डिजाइन लाइफ जो होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का वो पंद्रह पंद्रह ईयर्स होता है और डिजाइन लाइफ फॉर रिजिड पेमेंट इज थर्टी ईयर मतलब थर्टी ईयर मतलब कि तीस साल तक ये जो है रिजिड पेमेंट चल सकता है और फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है पंद्रह साल ज्यादा से ज्यादा पंद्रह साल तक जा सकता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बाय पेमेंट लेयर सिस्टम यहां पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं पेमेंट लेयर सिस्टम से और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज एनाइज यूजिंग इलास्टिक थे यहाँ पर हम इलास्टिक थेरी से देखते हैं कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो ये चीजें अगर आपने याद रखी तो फ्लेक्सिबल और रिचिड पेमेंट में आप जो है कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते हैं तो ये मेन जो डिफरेंस वाला मैंने आपको बताया है तो ये आप जरूर देखिये थैंक यू दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो